Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today, we will start with chapter 4 the mouse part 2. Today's topics are types of mouse cursors, holding the mouse, using mouse buttons, using scroll wheel. So, let's start. आर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ माउस कर्सर्स इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज टाइप्स ऑफ माउस लास्ट क्लास में हमने इन माउस कर्सर्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट टाइप इज एरोस पॉइंटर इसके अंदर आप देख सकते हैं पॉइंटर बना हुआ है यहाँ पर एरो टाइप का तो इसीलिए हम इसे एरोमाउस पॉइंटर कहते हैं नेक्स्ट वी हैव हैंड माउस पॉइंटर इसमें हाथ बना हुआ है इसीलिए हम इसे हैंड माउस पॉइंटर कहते हैं नेक्स्ट वी हैव आई बीम माउस कर्सर इसमें आई बना हुआ है इसीलिए हम इसे आई बीम माउस कर्सर कहते हैं आई होप दि टाइप्स आर क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ अ माउस लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है लेफ्ट बटन पे राइट right साइड पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का बटन है सो दिस इज द लेफ्ट बटन एंड दिस इज द राइट बटन आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन अगैन वी हैव वन मोर पिक्चर दैट इज शोइंग यू कि आप हाथ से माउस को कैसे होल्ड करते हैं आप कैसे माउस को पकड़ते हैं सो यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज योर इंडेक्स फिंगर सपोज ये ग्रीन कलर की फिंगर है तो इसे हम लेफ्ट बटन पे रखेंगे एंड दिस इज द मिडिल फिंगर सपोज दिस इज ऑफ ब्लू कलर जैसे कि ये ब्लू कलर की फिंगर है तो इसे हम राइट right बटन पे रखेंगे और इस फिंगर की हेल्प से आप स्क्रॉल व्हील को भी यूज कर सकते हैं आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट वी हैव दॉपिक होल्डिंग दी हैव टू हैंड्स द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड हमारे दो हाथ होते हैं एक हमारा राइट हैंड होता है एक हमारा लेफ्ट हैंड होता है द माउस नीड्स टू बी हेल्ड विद वन हैंड लेकिन हम माउस को सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ते हैं द ग्रीन कलर फिंगर नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन The blue colored finger needs to be placed on the right mouse button. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ्ट बटन पे ग्रीन कलर है मीन्स आपकी जो इंडेक्स फिंगर है सपोज वो ग्रीन कलर की है तो उसे आप लेफ्ट माउस पे रखेंगे नेक्स्ट बटन जो है हमारा राइट बटन वो ब्लू कलर का है तो सपोज आपकी जो मिडिल फिंगर है वो ब्लू कलर की है तो आप उसे राइट बटन पे रखेंगे आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी नेक्स्ट द स्क्रॉल व्हील नीड्स टू बी यूज ग्रीन कलर फिंगर मैंने जैसे कि आपको पिक्चर में अभी बताया था आपकी जो ग्रीन कलर की फिंगर होगी दैट इज योर मिडिल फिंगर उसे आप स्क्रॉल व्हील पे रखेंगे द पाम शुड बी प्लेस्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माउस तो जो आपका पाम है दैट इज द इनर पार्ट ऑफ योर हैंड उसे आप बाकी के माउस के पार्ट के ऊपर रखेंगे आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नेक्स्ट वी हैव ंग माउस बटंस हम माउस बटन्स को कैसे यूज करते हैं प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन इज नोन एज क्लिकिंग जब भी हम माउस बटन को प्रेस करते हैं और उसे छोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड क्लिकिंग यूज ऑफ लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक इज नसेसरी फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक को यूज करना जरूरी है कोई भी काम करने के लिए क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउज वंस इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं एक बार तो उसे हम लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं जब हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए काम आता है लेफ़्ट क्लिक हेल्प्स अस टू सेलेक्ट एंड ओपन एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। लेफ्ट क्लिक की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं मॉनिटर पे और उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट राइट बटन ऑफ द माउस वॉल्ड राइट क्लिक जब आप राइट बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो उसे हम राइट क्लिक कहते हैं राइट क्लिक हेल्प्स अस टू पॉप अप मेन्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉप अप मेन्यू ओपन होता है ऑब्जेक्ट्स का मॉनिटर के ऊपर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूजिंग स्क्रॉल व्हील स्क्रॉलिंग किसे कहते हैं अब हम वो पढ़ेंगे समटाइम्स अ डॉक्यूमेंट इज सो लार्ज दैट इट्स कंटेंट डज नॉट फिट ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर सो टू सी हिडन कंटेंट वन नीड्स टू मूव अप और डाउन अलोंग द डॉक्यूमेंट कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट होता है जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं होते कंप्यूटर की तो जो हिडन कंटेंट होता है अगर हमें उसे देखना है तो हमें माउस की हेल्प से उसे ऊपर ले जाना होता है पेज को और नीचे ले जा सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट देखने के लिए दिस इज डन by रोलिंग द व्हील विद द इंडेक्स फिंगर दिस इज नोन एज scrolling. तो ये सब करने के लिए कि आप पेज को ऊपर ले जा सकें और पेज को नीचे ले जा सके पूरा कंटेंट देखने के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रॉल व्हील जो माउस के ऊपर होती है और उसे हम यूज़ किसकी हेल्प से करते हैं हमारी इंडेक्स फिंगर की हेल्प से और उसे हम कहते हैं स्क्रॉलिंग यू रोल द व्हील टूवर्ड्स यू टू स्क्रॉल डाउन द डॉक्यूमेंट एंड रोल इट अवे फ्राम यू टू स्क्रॉल अगर आप कुछ कंटेंट ऊपर का देखना है तो आप स्क्रॉल अप करेंगे कैसे स्क्रॉल व्हील को बाहर की तरफ रोल करेंगे अगर आपको नीचे का कंटेंट देखना है कि नीचे कौन सा कंटेंट लिखा है तो स्क्रॉल व्हील को आप अपनी तरफ रोल करेंगे तो आप नीचे का कंटेंट देख पाएंगे सो दिस इज हाउ यू यूज स्क्रॉल व्हील ये स्क्रॉल व्हील का यूज़ है कि आप कैसे कर सकते हैं आई होप टूडेज टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरी वन Thank you, stay safe and stay healthy.